इस वक्त मैं हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में स्थित हूँ। अक्सर भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ रहती है और हालांकि कोरोना काल के दौरान जो देखा गया है कि भक्तों की संख्या कम थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मंदिर खुले। लेकिन खास बात हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में यह है कि यहाँ पर मशीन लगाई गई है यूवी डिसइंफेक्शन, यानी ये वो मशीन है जिसका मकसद ये है कि अगर कोई प्रसाद या अपने साथ वस्तु या सामान लेके आता है टनल मशीन के साथ साथ इस मशीन के अंदर अगर डालता है तो उसका 100% ये कहा जा रहा है कि इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। यानी कोरोना से बचने के लिए जैसे जैसे तमाम कोशिशें थी, लेकिन अब मंदिर के अंदर भी इस तरीके की शुरुआत की गई है या मंदिर के अंदर ऐसी मशीन लगाई गई है, अगर भक्त आते हैं तो पहले अपने तमाम चीज़ों को इसकी मशीन के अंदर रखेंगे, फिर वो यहाँ से बाहर मंदिर में दर्शन को जाएंगे। यानी इस मशीन का मकसद यही है कि इसकी शुरुआत मंदिर से हुई है, राजधानी दिल्ली से मंदिर से हुई है और ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, यानी ये भारत का बना हुआ है। हमारे साथ एमडी हैं वंदना जी। वंदना जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, भगवान के दर पर लोग आते हैं, अक्सर भीड़ रहती है, लेकिन अब एक मकसद कोरोना के दौरान इस मशीन को लाने का, क्या आप शुरुआत यहीं से की है? बिल्कुल, ये फर्स्ट मशीन है जो हमने यहाँ पे लगाई है और इसका पर्पज़ यही है कि इस तरह के डिफ़िकल्ट टाइम में सब लोगों को सबसे पहले भगवान की याद आती है। और क्या खासियत है इसकी? ये मशीन जो है ये यूबीसी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, यानी यूबीसी लैम्प्स के द्वारा सरफेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स उनके ऊपर डिसइंफेक्शन किया जाता है, यानी इसमें से जो भी सामान गुजरेगा वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये मशीन कैसे काम कर रही है, एक तो टनल हो गया है, दूसरा अंदर यूबीसी लैम्प्स लगे हुए हैं ऑन ऑल फोर साइड्स, विच जो भी ऑब्जेक्ट्स इसमें से निकलते हैं उसको 360 डिग्री से डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो ये 100% है इसका रिजल्ट, जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई साफ सब 100% आप हमेशा नहीं कह सकते हैं, बट येस इवन इफ वी अचीव 95% तो हमारा गोल काफ़ी हद तक उससे अचीव हो जाता है, कंसिडरिंग कि इतनी यहाँ पे पब्लिक आ रही है और इतना सामान आ रहा है। हम अपने आप को सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, लेकिन सामान के लिए हमें कोई फुल प्रूफ या केमिकल वे नहीं यूज़ करना, तो यूबीसी टेक्नोलॉजी उसका बेस्ट सॉल्यूशन है। बड़ा जी, बाबा के दर पर सब आते हैं, भीड़ भी देखी जा रही थी, कोरोना के दौरान थोड़ा कम हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत बाबा के दर से ही हो रही है, यानी अब जो भक्त आएंगे अपने साथ साजो सामान के साथ आते हैं तो उनके लिए ये मशीन, यानी अब बाबा के दर में भी आपको आना है तो थोड़ा साफ़ सुथरा होकर आना होगा, ये मशीन इसलिए है, क्या शुरुआत यहीं से है? ये एक तरह के वरदान साबित होगी। ये MNC कंपनी जो हमें ये डोंट की मशीन दी है, इससे भक्तों में जो वायरस के रोकथाम होगी, इससे काफ़ी प्रसाद है, डब्बा है, चश्मा या बहुत सब चीज़ इससे होके गुजरेंगे, सब मंदिर में और दिल्ली में इस बीमारी को बहुत रोका जा सकता है। तो आपको लगता है कि अब इस राजधानी दिल्ली के अंदर बाबा के दर से ही शुरुआत हुई है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्या देखते हैं कि यहाँ से शुरुआत है, इसके आगे कहाँ कहाँ तक इसकी आप सोच रहे हैं? सी, हमारे हिसाब से और भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं लाइक मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, होटल्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, इवन फॉर गेटेड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जहाँ पे बहुत सारी डिलीवरीज आती हैं, पोस्ट आती है, और अगर लोगों को आज की डेट में भी लोग डरते हैं, काफ़ी सारी ऐसी कॉलोनीज हैं जिन्होंने अभी तक आउटसाइडर्स को एंट्री नहीं दी है, तो आई एम श्योर विद द यूज ऑफ दिस मशीन उन लोगों को हेल्प मिलेगा। बिल्कुल, इट्स कम्प्लीटली मेक इन इंडिया। बिल्कुल, इसकी शुरुआत हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस से हुई है, जहाँ इस मशीन की खासियत यही है कि 99%, हालांकि 100% का दावा कोई नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें जिस तरीके की चीज़ लगी है ये डिसइंफेक्शन करेगी तमाम उन चीज़ों को, यानी अगर प्रसाद या कुछ चीज़ें लेकर आप आते हैं तो उसके अंदर डाला जाएगा और इस तरीके से वो बिल्कुल डिसइंफेक्ट होकर बाहर आएगी। और दूसरा टनल जो है उसके साथ लगाया गया कि तो आदमी भी और उसके साथ जो आने वाला सामान है वो भी डिसइंफेक्शन के साथ रहेगा, यानी ये शुरुआत हनुमान मंदिर से हुई है और इसका बेहतर रिजल्ट ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में अलग अलग जगहों देखा जाएगा, क्योंकि बाबा के दर पर शुरुआत हुई है और आने वाले समय में ये हर जगह मशीन देखी जाएगी। कैमरा नितिन के साथ राहुल प्रकाश, 24 दिल्ली।